दिवाली के बाद से दिल्ली गैस चैंबर में तब्दील हो गई है, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान सामने आया है। तो 3 सालों में दिल्ली एनसीआर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे खराब स्तर पर पहुंच गया है, लोगों को घर से निकलना बाहर मुश्किल हो रहा है, और ऐसे में डॉक्टर हर्षवर्धन ने गाजर खाने की लोगों को सलाह दी है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का ये ट्वीट सामने आया है, जहां पर गाजर खाने से शरीर को विटामिन ए, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, जिससे कि रतौंधी से लड़ने में मदद मिलेगी। तो भारत में ये बीमारी आमतौर पर बड़ी संख्या में देखने को मिलती है, और गाजर प्रदूषण से होने वाली बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। तो ये ट्वीट केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का सामने आया है, और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने लोगों को प्रदूषण से लड़ने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं इसके बारे में जानकारी दी है। तो गाजर खाना प्रदूषण से जिस तरह से आपके शरीर में असर पड़ता है, वो उससे लड़ने में सक्षम रहती है। तो प्रदूषण से होने वाली बीमारियों से गाजर आपको बचाता है, और इसके क्या कुछ फायदे होते हैं उसका भी जिक्र अपने ट्वीट में डॉक्टर हर्षवर्धन के जरिए किया गया है। पिछले 3-4 सालों से जिस तरह से हालात प्रदूषण को लेकर बेकाबू होते चले हैं दिल्ली में, उस बीच लोगों को एक सलाह यहां पर डॉक्टर हर्षवर्धन की तरफ से, जहां पर गाजर खाने की सलाह उनकी तरफ से दी गई है।